हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? तो आज मैं आप लोग के सामने नायका हॉल लेके आई हूँ। यस, और मैंने बहुत ही मींस यूनिक प्रोडक्ट्स इस बार परचेज करे हैं नायका से। वैसे तो मैं रेगुलर ही परचेज करती हूँ एंड उसके रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और उसके लिंक्स भी मैं डाल देती हूँ कि आप नायका से जाके परचेज करो। सो दिस टाइम आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट नायका हॉल। इसके पहले मैंने पर्पल हॉल दो बार ही करा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा प्रोडक्ट्स देखने के लिए क्या क्या मैं प्रोडक्ट्स इस बार परचेज की हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे पैकिंग में आती है नायका का प्रोडक्ट। मैंने इसको जब आया था पार्सल तो मैंने ओपन करा था। तो ये देखें, इस बार मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं एंड ये देख सकते हैं इसमें इसके ये बिल्स हैं। जैसे ये नायका के बिल आते हैं ना, ये जो प्रोडक्ट्स आए थे ना बहुत ही अच्छा। ये देखिए, अभी पहले ये ना बबल वाले में रैप करके भेजते थे, बट अभी ये देखिए, ये मतलब कार्ड मतलब बोल सकते हैं ना, ये पेपर वाले कतरन टाइप में ये रैप करके भेजते। ये बहुत ही अच्छा है कि ये बोलते हैं ना हमारे एनवायरमेंट को प्लास्टिक वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा, बिकॉज हम तो इसको ले लेते उसके बाद इसको थ्रो कर देते हैं तो हमारा एनवायरमेंट उसके कारण बहुत पॉल्यूटेड होता है। तो बहुत ही अच्छा ये ऐसे करके अभी पैक करके भेज रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके पहले ये बबल रैपिंग में डालते थे। तो चलिए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स इस बार परचेज करे हैं नायका से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये देखिए, ये फिटमी का ड्यू प्लस स्मूथ नॉर्मल टू ड्राई प्राइमर, ये देख सकते हैं। ये मैबलिन ने बिल्कुल न्यूली लॉन्च करा है इस प्राइमर को, और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। जैसा कि अभी तक मैंने इसको यूज तो नहीं करा है, बट मैं इसको यूज करूंगी, उस टाइम मैं इसका सेपरेट से रिव्यू भी दूंगी आप लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये जो पर्पल वाला है ना, ये नॉर्मल टू ड्राई के लिए, और अदर इसमें शायद ग्रीन था वो ऑयली स्किन वालों के लिए। तो जब मैं इसका रिव्यू करूंगी तो मैं प्रॉपर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी आप लोग को। तो ये बहुत अच्छा है एंड आप लोग सब जानते हैं मैबलिन की जो भी फिटमी के रेंजेस है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। तो फिटमी में इन्होंने ये एक नया प्राइमर लॉन्च करा है, तो मैंने इसको परचेस किया अपने लिए। एंड सेकंड मैंने ये देखिए, ये ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर परचेस किया है। ये देखिए, पहले इसकी ना पर्पल सी बॉटल आती थी, तो अभी इन्होंने पैकिंग चेंज करी है। ये देखिए, इनर बॉटल अभी इसकी ऐसे व्हाइट ट्रांसपेरेंट आती है, और ये बहुत ही अच्छा मीन्स आपको ना ड्यूई सा ग्लो देने वाला है, बहुत अच्छा है। और ये 5 सेकंड में बिल्कुल आपका बोलते हैं ना क्विकली ड्राई हो जाता है। तो मैं इसका भी रिव्यू आप लोग के लिए सेपरेट करूंगी, और ये रीजनेबल भी है। इसका प्राइस 300 है, बट आई थिंक मुझे ये थोड़ा डिस्काउंट में मिला है, बोल सकती हूँ कि मुझे 240 में मिला है। और ये जो फिटमी का है इसका प्राइस है 499 एंड यस, ये मुझे 499 में ही मिला है। इसमें मुझे एक भी रुपए का कोई डिस्काउंट नहीं दिया है नायका वालों ने, तो क्या कर सकते, कभी कभी एमआरपी पे भी ले लेती हूँ बिकॉज प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। जैसा देख सकते हैं ये 499 का, तो मैंने इसको 499 में ही परचेज किया है एंड इस वाले को मैंने 240 में परचेज करा है। तो ये बहुत अच्छा है, आपको डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पे, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। एंड ये मैंने बिल्कुल एक बोलते हैं ना अलग सा प्रोडक्ट इस बार अपने लिए परचेज किया, ये है क्वेरा का। ये देख सकते हैं, ये जो है क्वेरा का है, और ये एडवांस लैक्टो डार्क अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम है। यस, बिकॉज सम टाइम होता क्या है कि हम जब रेजर यूज करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, और मीन्स बोलते हैं ना कि डीओ रोल ऑन वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि हम अपना फेसेस का ध्यान रखते हैं ना, हमें अपने अंडर आर्म्स का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी समर आ रहा है और हम स्लीवलेस और थोड़ा क्रॉप वगैरह डालते हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। सो ये मैंने उसके लिए परचेज करा है कि चलो थोड़ा सा उसकी भी केयरिंग हो जाएगी। एंड यस, पहले आप एक्सफोलिएट करें अपने अंडर आर्म्स को एंड आफ्टर दैट ये क्रीम यूज करें। एक्सफोलिएट आप कोई भी एक्सफोलिएट स्क्रबर यूज कर सकते हैं उसके लिए, तो ये बहुत अच्छा है। और ये आपके जो भी मतलब रैशेज वगैरह है, ब्लैक स्पॉट्स है और वॉट्स वगैरह है अंडर आर्म्स में, उन सबको भी ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है। ये देखिए, इसने यहाँ मेंशन करा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा क्वेरा का नया प्रोडक्ट मैंने ये परचेज करा है एंड मैं इसको जब पहले यूज करूंगी एंड उसके बाद आप लोग को प्रॉपर इसका एक रिव्यू भी लेके आऊंगी कि वाकई ये वर्किंग है या नहीं है। अभी तो मैंने इसको परचेज किया है। एंड उसके बाद मैंने ये देखिए, पॉन्ड्स का ये वाला जेल बेस्ड जो क्रीम अभी लॉन्च हुआ है नया, इसको मैंने परचेज करा है। ये सुपर लाइट जेल है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए ना बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, मीन्स आप इसको मेकअप के पहले यूज कर सकते हैं। मैं आगे अभी जब भी नेक्स्ट अपना मेकअप वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें मैं इसको डेफिनेटली यूज करूंगी, तो रिव्यू का रिव्यू भी हो जाना है आप लोगों के लिए एंड
प्रोडक्ट भी आप देख लेंगे कैसा है। ये देखिए इसके अंदर में ना ये ऐसे पैकिंग्स हैं, ये ऐसे, ताकि ये आपका जो भी होता है ना प्रोडक्ट लीक ना हो। तो ये बहुत अच्छा है पॉन्ड्स का। इसमें इसमें ने एक और शायद कुछ शेड इन्होंने ऑयली स्किन वालों के लिए लॉन्च करा है, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ड्राई स्किन है तो मैंने उस अकॉर्डिंग इसको परचेज किया है। सो फॉर माई ड्राई स्किन की चलो थोड़ा सा अच्छा नॉन स्टिकी ग्लोई लुक देगा, और ये ना हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई के साथ है जो कि काफी अच्छा है। एंड जो फिफ्थ चीज मैंने परचेज करा है वो है ये देखिए कलर बार का मेकअप रिमूवर वाइप्स, यस। एंड ये भी मुझे डिस्काउंट में मिला है। सॉरी मैंने पॉन्ड्स वाले का प्राइस बता, मैं ना आज पता नहीं क्यों सबका प्राइस ही बताना भूल जा रही हूँ आप लोगों को। एंड मैंने जो ये परचेज करा है पॉन्ड्स वाला, इसका प्राइस है 149 रुपीज मुझे पड़ा है, बट इसकी एमआरपी भी 149 ही है, तो मैंने इसको 1 MRP पे ही परचेज किया है। एंड उसके बाद ये देखिए कलर बार का ये मैंने मेकअप रिमूवर वाइप्स जो है ये परचेज किया है, बिकॉज सम टाइम होता ना कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ भी, तो हमें अपना मेकअप वाइप्स करना होता है या डस्ट भी होता है फेस पे, तो वाइप्स करने के लिए बहुत नेसेसरी प्रोडक्ट है। एंड मैंने इसको बेसिकली यूज करा है कि जब हम आईज की मेकअप करते हैं ना, सम टाइम हम जैसे कि बहुत डार्क वाला शेड चूज करते हैं अपने आई मेकअप के लिए, तो क्या होता है वो नीचे अंडर आई एरिया में ना वो प्रोडक्ट्स थोड़े गिर के मैशी हो जाते हैं, तो मैं उसको वाइप्स करने के लिए पर्सनली इसको ली हूं। तो आप लोग इसको ले सकते हैं, कलर बार का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ये 71 रुपीज का मिला है, तो इसमें भी मैंने कुछ सेविंग करी है। सिक्स्थ प्रोडक्ट जो मैंने परचेज करा है वो देख सकते हैं, ये कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर है, ये देखे, और ये बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, मुझे कलर बार का प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। ये देखिए बहुत अच्छा स्पॉन्जी सा ये आपको बोलते हैं ना ब्लेंडर मिला है, और कलर भी मुझे पिंक, तो बहुत, मेरे पास ब्लैक था बट मेरे पास पिंक नहीं था। और जैसे कि हम डेली मेकअप करते हैं ना, तो हमें ये बहुत नीडफुल प्रोडक्ट है, बिकॉज मेकअप करो वो डर्टी हो जाता है, तो थोड़ा सा एक दो होना चाहिए आपके बोलते हैं ना बैकअप में। तो ये देखिए बहुत अच्छा है, इसको आप जब वेट करोगे ना ये और भी ज्यादा फल्फी हो जाना है। तो इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है 199 रुपीज, एंड मुझे ये 149 में मिला है, मीन्स इसमें भी मैंने कुछ सेविंग करी है। एंड आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट है वो देखिए, वो है ये निका एन के का मेकअप लकी चार्म ये आई शेडो पैलेट मैंने परचेज करा है, ये देखिए, और ये मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। और इसकी अगर बात करूँ ना तो ये देखिए इसकी मीन्स इतनी अच्छी ये बोलते हैं ना इसकी पिगमेंटेशन है, ये देखिए आप, बिल्कुल आप थोड़ा सा लोगे ना तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से देखे सारे शेड्स का। मैं थोड़ा थोड़ा बिल्कुल देखिए हल्के से ही टच कर रही हूँ, बट यूँ देखिए मैंने बिल्कुल हल्के से लिया एंड स्वैच, ये देखिए कलर्स भी बहुत पिगमेंटेड कलर्स हैं इसके। तो एक और स्वैच मैं देखिए ब्राउन का करती हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं इसमें जो ये थोड़ा ग्रीनिश शेड है इसके स्वैच दिखाती हूँ, एंड ये देखिए पिगमेंटेशन आप लोगों को शो करती हूँ। ये देखिए वाव, ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड चलिए अब येलोइश वाले का करती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा पिगमेंटेड है, ये कितना अच्छा, ये ग्रीनिश भी अच्छा पिगमेंटेड है। एंड उसके बाद ये मैंने ये शाइनी वाला लिया है, एंड चलिए अब इसको स्वैच करती हूँ, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है। एंड आफ्टर दैट ये वाला, ये देखिए बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड, इसके शेड्स जितने भी है ना ये सारे बहुत ही हाई पिगमेंटेड हैं, और इसको मैंने ना 50% डिस्काउंट में लिया है, यस मैंने इसमें बहुत 50% सेविंग करी है। एंड मुझे जो ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट मीन्स 699 का है, आई थिंक सो, यस 699 का है, एंड मैंने इसको 350 में परचेज किया है। कितना सेविंग करा मैंने इस पे, 50%। सो गाइज आप लोग ले सकते हैं, इस पे सेल अभी चल रही है नायका में जाके, इसमें और भी बहुत सारे वेरियंट्स है, बहुत सारे शेडेड हैं इसमें, तो आपको जो शेड इस पे पसंद आया आप वो जाके परचेज कर सकते हैं। एंड मैं इन सबका लिंक नीचे डिटेल्स में डाल दूंगी आप लोगों के लिए, सो दैट आप वहां से जाके परचेज कीजिए। एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने ये परचेज किया है, ये देखिए नियॉन सी नेल पॉलिश है, यस, एंड ये है ब्रांड नायका के साइड से। बहुत टाइम से मैं ये शेड परचेज करना चाह रही थी, तो
मैंने सोचा लास्टली चलो मैं इसको परचेज कर लेती हूँ, बिकॉज अभी नियॉन काफी ट्रेंड में है, ये बहुत पॉपी सा कलर है, तो वाई नॉट, मैंने भी इसको ट्राई करा है। चलिए मैं एक, मेरा मन कर रहा है ना मैं आप लोगों को एक बार इसको भी शेड करके शो करूं, बिकॉज अच्छी चीजें देखने के बाद ना मन नहीं मानता बिल्कुल से। ये बहुत ही अच्छा, मीन्स देखिए आपको वन कोट में ना कितना सुंदर सा ये नियॉन कलर दिया है, ये देखिए, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सो आई होप आज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे, तो आप लोग भी जाके परचेज कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिसमें अभी सेल, मैंने जिसमें सेल में परचेज करा है आप लोग को भी उसमें कुछ सेल में मिल जाना, और बहुत अच्छा सेविंग कर लोगे आप इसको परचेज करके। मैं ना इसको जल्दी से सारे फिंगर्स में लगाऊंगी अभी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखना। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू।